गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद रखता हूँ घर में आप लोग सब सही हो। जी, आप लोगों के साथ मैं क्रिकेट मैच के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। जो मैच का जानकारी देने से पहले आप लोगों का मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बेल बटन को प्रेस कीजिए, जो आने वाला नोटिफिकेशन है उससे पता चल जाएगा कौन कौन सा मैच मैं आप लोगों के साथ कवर करने वाला हूँ। और मैच का जानकारी देने से पहले और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो आप देख पा रहे ये टेलीग्राम ज्वाइन करने का तरीका, आप टेलीग्राम सर्च टेलीग्राम चैनल में नेक्स्ट आर्टिकल फैंटेसी गेम सर्च करके ज्वाइन कीजिए, या चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ रहेगा कैसे क्या ज्वाइन करना पड़ता है। जी, और एक चीज़ आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा, ये जो मैच होगा ये बांग्लादेश ओडीआई मैच है, जो है उसका डोमेस्टिक का कुछ मैच है। जी, मैच का आगे जानकारी देने से पहले आपको कहना चाहूँगा पूरा वीडियो पूरा एंड तक देखिए, अगर बीच में छोड़ के चला जाएंगे बहुत कुछ जानकारी सब अधूरा रह जाएंगे। जो मैच होगा नजीबुल 11 मतलब तमीम 11, जो 15/10/2020 दोपहर 1 को खेलेगा, मैच नंबर 3 है, 50 ओवर का मैच है, श्री बांग्ला नेशनल स्टेडियम है, इसमें खेला जाएगा। जी, 32.81 डिग्री सेल्सियस है, बहुत गर्मी है, और पिच जो बिहेवियर करेगा बॉलिंग फ्रेंडली है, एवरेज स्कोर है इस मैदान में 150। और ये जो बांग्लादेश का जो बीसीबी जो 3 टीम के अंदर एक मैच हो जा रहा है ये 50 ओवर का, उसके अंदर आज दोनों टीम का मैच है। जो पिच पहले मैंने बोला था बॉलिंग फ्रेंडली, क्योंकि स्लो पिच है, बॉलर को मदद मिलने वाला, जो फास्ट बॉलिंग बोले स्पिन बोले सभी के लिए फ़ायदा मिले। आइए चेक करते लास्ट मैच में क्या क्या किया दोनों टीम में। नजीबुल का तरफ से साहिब हुसैन ने 17 रन बना पाए, सोमो सरकर 21 रन प्लस 1 विकेट, नजीबुल हुसैन शांतु ने 28 रन बना पाए, मुस्तफिकुर रहीम ने 1 रन, अफीब हुसैन 4, तौहीद रिदा 52, इरफान सुकूर 58, नाइम हसन 7+1 विकेट, तस्कीन अहमद 2 विकेट, अल अमीन हुसैन 2 विकेट और मुकीदुल इस्लाम 2 विकेट। और तमीम इकबाल के तरफ से तमीम इकबाल ने 2, तंजीद हसन ने 27, अनामुल हक ने 25, मोहम्मद मिठू ने कुछ रन नहीं बना पाया, शहादत हुसैन ने 1, मुदस्सिर हुसैन ने 8, मोहम्मद सैफुद्दीन ने 12 रन प्लस 2 विकेट, मेहदी हसन 19 रन, मुस्तफिकुर रहमान ने 1 विकेट लिए, शरीफुल इस्लाम ने 4 रन बना पाए और तंजीकुल इस्लाम ने 1 रन बना पाए, उसके साथ 2 विकेट लिए। तो मेरे हिसाब से देख के लग रहा है टीम का बैलेंस के हिसाब से नजीबुल 11 का टीम स्ट्रांग जाता है तमीम के तरफ से। लास्ट मैच में नजीबुल ने जीता, तमीम ने हारा। एक ड्रीम 11 टीम में बना के रखा हो, आयशुकुर, मुस्तफिकुर रहीम, तहीम रिदा, एन हुसैन शांतो, तमीम इकबाल, एम सैफुद्दीन, एन हसन, एम इस्लाम, टी अहमद एंड इमर अहमद, एक डेमो टीम है। और ये टेलीग्राम चैनल का लोगो देख पा रहे, यही लोगो है, टेलीग्राम में आकर नेक्स्ट आगे फैंटेसी गेम सर्च करके ज्वाइन हो जाइए, जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी आप फायदेमंद में रहेंगे। और एक डेमो टीम आप लोगों के लिए मैं बना के रखा हूँ, ये देखिए, सुकूर हसन, रिदा, एन हुसैन शांतो, मोहम्मद सैफुद्दीन, सोमो सरकार, इस्लाम रहमान, इस्लाम ए हुसैन, टी अहमद। जी, कैप्टन सोमो सरकार, सैफुद्दीन के रखा हो वाइस कैप्टन, ये दोनों बॉलिंग करेगी या बैटिंग भी करेगा। और दूसरा चीज़, ये जो बॉलिंग फ्रेंडली है ये बॉलर ही विकेट लेगा, अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो कोई भी आप बॉलर का कैप्टन कर सकते हो वाइस कैप्टन, क्योंकि बॉलर विकेट लेगा उधर से आप लोगों का पॉइंट ज़्यादा देगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो का लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैच रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।